हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के और मैं जा रही हूँ कॉलेज विद हबी। हबी बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो हम लोग जस्ट कॉलेज जा रहे हैं, जाना थोड़ा जल्दी था बट हम लोग उठे लेट, उसके बाद थोड़ा बहुत काम, इनके ऑफिस का नेट नहीं चल रहा और ये सब वो सब मतलब 10 चीज़ें होती रहती है सुबह से। तो फिर इनके ऑफिस आए, फिर अब जा रहे हैं वहाँ से। और धूप तो माशाल्लाह, मेरे को लग रहा है मैंने बहुत टाइम बाद बाहर निकली हूँ। अब मैंने एकदम लाइट लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया है, दैट्स सेट। हाँ, ऐसा लग रहा धूप में बहुत दिन, और मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन लगाई है पूरे हाथ चेहरे और अच्छे से, मतलब पोत ली है। मैं जॉय की लेके आई थी, उसकी SPF 20 है, क्योंकि मैं लोटस का लगा रही थी तो लोटस की काफ़ी ड्राई हो रही थी और मेरी स्किन काफ़ी फट रही है, तो वो मॉइस्चराइजिंग भी है साथ साथ में जो जॉय की मैं लाई हूँ, और बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर है, तो मैं लोटस की भी लगाना ही चाहती थी। ऑलरेडी मेरा चेहरा बहुत फट रहा है, इसलिए मेरे को लगा चेंज करनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे वो। 2 दिन लगाई और चेहरा भी रिकवर हो गया और सनस्क्रीन का काम भी कर रही है वो साथ में। जस्ट हम लोग कॉलेज की तरफ निकल रहे हैं और मैं आपसे बात करती हूँ कॉलेज पहुँच के, इन केस अगर कर पाई तो। बाय। कॉलेज से वापस आई हूँ और मैं कॉलेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहा और मेरे वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था और ये परेशान हो रहे थे मुझे कॉल कर करके, तो उसी चीज़ के चक्कर में आई वॉज नॉट एबल टू शूट देयर। और कल आई थिंक मैं फिर से जाऊँगी, देन मतलब इस टाइम पर कभी ना कभी मिल ही जाएगा आपको देख। और काफ़ी गर्मी हो रही है, अभी ऑफिस जाएंगे अपने ऑफिस जाएंगे और मैं जाऊंगी घर, और घर में मैं कुछ काम देखूंगी, लंच की प्रिपरेशन और थोड़ा घर साफ़ करना है मुझे, मैं वो करूंगी क्योंकि घर की ज़रूरत है सफाई की घर में, तो मैं घर में साफ़ करूंगी। बिकॉज़ मेरी मेड ने मुझे डिच किया, लेटेस्ट न्यूज़, वो 15 को आने वाली थी और आज क्या है राजा, 18 और वो अभी तक नहीं आई है। सो मैं घर जा रही हूँ डायरेक्टली, मेरी बैटरी मर गई है पूरी, मैं से चार्जिंग पे लगाऊंगी, कुछ काम करूंगी, उसके बाद व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करूंगी। और उससे पहले मुझे अपनी जो व्लॉग है उसे शेड्यूल पे भी करना है, मैंने शेड्यूल पे नहीं किया था। ओह माय गॉड, मुझे पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना। मेरा लैपटॉप रखा है, क्या करना है लैपटॉप का। सो इनका भी लैपटॉप का काम हो गया, एयरटेल का नेट नहीं चल रहा है इनके ऑफिस का, और कंप्लेंट रजिस्टर कराई। उनका एक एम्प्लॉई आया, उसने पता नहीं 10-15 मिनट क्या किया, फिर उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ वहाँ से फिक्स करके, और वो कहाँ फिक्स करने गया है कि 2 घंटे हो गए कि वो वापस ही नहीं आया है। सो पता नहीं क्या हो गया, ये सब क्या क्या होता रहता है, बट लाइफ है, चलती रहती है ऐसी। सो गाइस, आज मुझे थोड़ी सी देर बाद घर जाके, बाय। सो मैं वापस आ गई हूँ कॉलेज से, नहीं कॉलेज से मैं आई थिंक 3-4 घंटे पहले वापस आ गई थी, फिर मैंने आके लंच बनाया, फिर हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद मैं सो गई जाके। जो मेरी हालत आपको दिख रही है इस तरह की, वो सोने के कारण हुई है, और स्टिल मुझे मेरी आंखों में आपको आंसू दिख रहे होंगे, स्टिल जब मैं सो जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं दोपहर में सो गई हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दोपहर में सो के कभी फ्रेश नहीं होती। हाँ, मैं दोपहर में सो के कभी फ्रेश नहीं होती हूँ, अगर मुझसे कोई बोले कि आप सो जाओ, एक नैप ले लो, आप फ्रेश हो जाओ, पर अगर मैं दोपहर में सो गई तो मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं दोपहर में बहुत रेयर सोती हूँ, और आज मैं सो गई थी क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने क्योंकि मैं थोड़ा सा जगना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है अगर मैं दोपहर में सोऊँ, मेरे को दोपहर में सोने की हैबिट नहीं है, और कभी कभी मैं नैप से हो जाती हूँ फ्रेश, बट बहुत रेयरली, और मैक्सिममली मेरी तबीयत ख़राब होती है नैप लेने से। सो अभी ट्यूबलाइट वाला आया था, ट्यूबलाइट करके गया है सही, और हम चल रहे हैं चाय बनाने। मैंने डिनर सोच के रखा था कि मैं बनाऊँगी नूडल्स, मटर वाले, गाजर वाले, जल्दी, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा अभी, तो वो बनाएँगे हम लोग, और मेरे हस्बैंड या सब्ज़ी लाएंगे जाके, क्योंकि मैंने कह दिया यार मुझसे कोई भी काम मत बोलना बिकॉज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ,
जबकि ट्यूबलाइट ठीक हो गई है, मेरे को लगा एक वीडियो शूट कर ली जाए, फिर मेरे को लगा नहीं यार आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, कल शूट करूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं है। ये देखिए मैंने क्या किया, ये ख़राब हो गया है, मेरे को दोबारा से चेंज करना है। सो बोजो आपको स्लीपिंग गोल्स दे सकता है और इसी चक्कर में आपको नींद आती है, और मेरी स्किन जो फट रही थी वो एकदम सही हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, फिर हम बनाएंगे नूडल्स और फिर हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, सो तभी देखेंगे। सो आप देख सकते हैं मुझे आम निकल रहे हैं, मेरे को पसीना नहीं आ रहा है, मैं अपना फेस क्लेंस करके आई हूँ और वॉश करके आई हूँ। आप देख सकते हैं मुझे पहला आम निकला है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे भी निकल रहा है। सो अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्म कुछ खाती हूँ जैसे मैंगो या काजू या बादाम बिना भिगोए हुए, तो मुझे हो जाता है इशू, मतलब मुझे पिंपल्स, छोटे छोटे पिंपल्स आने लगते हैं। और जो घमौरियाँ रहती हैं वो तो एज यूजल आपको कभी भी निकल सकती है, मुझे पूरी बॉडी में कभी नहीं होती घमौरियाँ। अब लाइट पता नहीं कैसी आ रही, पूरी बॉडी में घमौरियाँ कभी नहीं रहती हैं, मुझे जो घमौरियाँ रहती हैं कभी होती हैं, मुझे हमेशा नहीं होती। जैसे अभी 2-3 दिन के लिए हुई थी, उसके बाद मैंने कर्ड और बेसन वाला पैक लगाया और वो चली गई, मुझे यहाँ पूरे में घमौरियाँ हो गई थी, लाल 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 लाल, पूरा लाल, ये वाला एरिया मेरा पूरा लाल था। फिर वो चली गई कर्ड के पैक से, क्योंकि दही ठंडी होती है। अब मैं ले रही हूँ ये स्क्रब, क्योंकि किस किस का स्क्रब ऐसे गिरता है। हाँ तो अब मैं ये स्क्रब ले रही हूँ जो बहुत ही वियर्ड आवाज़ कर रहा है। ये है ज़ोहरा फेस स्क्रब और ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत टाइनी है और बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसे स्क्रबिंग करना शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने स्क्रबिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं कोई स्किन केयर वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही अभी, और मैं आज थोड़ा बाहर से भी आई हूँ और काफ़ी डस्ट थी, तो मुझे लगा आज आई एम लाइक अलोन। बोलो कल एक्टिव था, आज नहीं था, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मैं अभी जाके इसे चेंज करूँगी। मैं डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी थी और बना लिया था, और मैं सो गई और पूरा आपस में पूरा मेस्ड अप हो गया। जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं स्क्रब कर लेती हूँ, अपर लिप्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपर लिप्स करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको लग रहा होगा फुल फेस क्यों स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेड स्किन है वहाँ पे है, और कई बार ऐसा भी होता है मुझे कि मेरे इस एरिया में भी डेड स्किन आ जाती है, तो डेड स्किन का कुछ अता पता नहीं है कहाँ आ जाए। तो स्क्रब लिया है तो मैं एक बार में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अगला स्क्रब मैं कितने दिनों में करने वाली हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में कर लूँ, और जब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक हेड्स की, तो फिर मैं 2-3 दिन में रिपीट करती हूँ। सो मैं एक हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो रही हूँ आज, मुझे नहीं मालूम है क्या हुआ है। जैसे कल रात को मेरी सडन तबीयत ख़राब हुई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला लेट जाओ, मैंने खाना बनाया और मैं सो गई, फिर हम लोग सुबह उठे, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और मैंने दही वाली ब्रेड बनाई जल्दी जल्दी, क्योंकि वो सबसे ईजी ऑप्शन था। उसके बाद फिर हम लोग गए हैं कॉलेज का थोड़ा काम हुआ है जो कि पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं इनके लैपटॉप सेंटर में, जहाँ सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम थी इनकी, वो कराया। फिर हम लोग कुछ काम करते करते घर आए वापस। घर आके मैंने पूरा घर साफ़ किया है, झाड़ू पोछा बर्तन जो पड़े थे, क्योंकि सुबह पर टाइम नहीं था। और मेड का रियल इशू है यहाँ पर, मतलब रियल इशू, बहुत बड़ा इशू है। तो ये था कि वो आई नहीं, पता नहीं 15 को आने वाली थी, मैंने आके किया, क्योंकि घर में बेशक आप 2 लोग रहते हो या 3 लोग रहते हो, बट होता क्या है, घर गंदा आपका होता ही होता है। देखो स्क्रब लगा के बात कर रही हूँ मैं, घर आपका थोड़ा भी डस्ट वस्ट आती ही रहती है, वाया एसी, वाया दरवाजे, किसी के थ्रू भी डस्ट आती ही रहती है, तो वो करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आके वो किया है, फिर 3:30 बजे तक आज हमारा लंच हुआ है, लेट हो गया था लंच, तो 3:30 बजे मैंने पूरा खाना वाना बनाया, इनने खाना खाया, फिर चले गए, फिर इलेक्ट्रिशियन को लेके आए हैं, फिर ये हुआ है, फिर मैं बीच में सो गई हूँ, जो कि अच्छे से सो भी नहीं पाई थी मैं, क्योंकि वो ड्रिल वगैरह कर रहा था इलेक्ट्रिशियन। तो सो अब मैं इसे जाके क्लीन कर रही हूँ, ओ माय गॉड, हाँ तो अब मैं इसे जाके क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद मैं पीने वाली हूँ चाय। अगर किसी को मेरे को कंपनी देनी है तो आ जाइए, ज़रूर पियेंगे शाम की चाय, जो कि शाम भी नहीं रही है, काफ़ी हद तक रात होने वाली है, बट आई नीड अ टी, जो कि उबल गई है, मैं चढ़ा के आ गई थी। मैं यही करती हूँ, मैं चाय चढ़ा के आ जाती हूँ सिम पे और वो अच्छी सी बन जाती है, उसके बाद मैं तब तक बीच में बहुत सारे काम कर लेती हूँ। तो मैंने मटर उबालने रख दी है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मैगी। अब सोच रहे होंगे कि मैं फ्राई क्यों नहीं करती, मेरे बाल वाल मत
माइंड करी यार, मैं बहुत थकान में थी। और हाँ, तो मैंने उबालने रखे क्योंकि जो मटर थी वो मेरे पास फ्रोज़न थी, अभी फ्रेश मटर नहीं थी, इसलिए उन्हें बॉईल करना पड़ता है। उन्हें बॉईल करके उसके बाद में उन्हें बनाऊँगी, तो वो अभी बॉईल हो रही है। तब तक मुझे लगा एक वीडियो शूट कर ली जाए। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ओपन पोर्स के लिए, कि ओपन पोर्स के लिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक हफ्ते में दो बार यूज़ करने के लिए एक मेथड बताऊंगी, और उसके थ्रू आपको वन वीक में ही अंतर दिखेगा आपके ओपन पोर्स में। तो मैं सोच रही थी उसे जल्दी से शूट कर लूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है वो, तो मैं उसे शूट करने जा रही हूँ गाइस। और थोड़ा चेंज कर लूँ, थोड़ा प्रेजेंटेबल देख लूँ, क्योंकि ऐसे बाल नॉट माई थिंग, ऐसा दिखना मेरी। बट कई बार आप गंदे भी दिखते हो और कई बार मैं भी गंदी दिखती हूँ, ये देखिए। सो मैं काफ़ी गंदी सी लग रही हूँ आज, बट स्किन में शाइन देखिए स्क्रबिंग करने के बाद। सो चलिए करते हैं वो होम रेमेडी। सो जस्ट मैंने होम रेमेडी शूट करी है और मैं काफ़ी लाल लग रही हूँ, क्योंकि वो होम रेमेडी थी ही ऐसी और मैं चमक भी रही हूँ। सो गाइस, मैंने, आप मेरे डेली ब्लॉग्स वॉच करते हैं तो अगर मैं DIY बता रही हूँ तो उसमें एक प्रॉपर टाइमिंग बता रही हूँ, और उसे बता रही हूँ आपको किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो DIY रहते हैं उसे आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जैसे आपने कुछ भी डाला और जल्दी से लगाया, या कोई टाइमिंग नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, तो आपकी स्किन पे वो बुरा असर भी डाल सकते हैं। इसलिए जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है वो वीडियो की एंड पे है, तो वो ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है। होम रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बट एट द सेम टाइम अगर उसे ढंग से फॉलो ना किया जाए तो वो एक डिज़ास्टर का रूप भी ले सकती है। सो इसलिए हमेशा फॉलो करिए जो भी मैं बता रही हूँ, और आपकी जो स्किन है वो टाइटन अप, पोर्स वोर्स सब चले जाएंगे। ये देखिए, इवन आपकी जो स्किन में शाइन है वो भी कुछ इस ढंग से बढ़ जाएगी। सो मैं उस वीडियो को जा रही हूँ एडिट पे लगाने, वो सुबह 11 बजे आ चुकी होगी ओपन पोर्स के लिए। बहुत रिक्वेस्ट थी, जाके देखिए इफ़ेक्ट करेगी, हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करिए। आई जस्ट लव माई स्किन, जब मैं कोई होम रेमेडी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ओ। सो मैं जा रही हूँ एडिट करने, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। सो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिनर किया था और मैं फिर वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने DIY एडिट कर लिया, ब्लॉग एडिट कर लिया, और उसके बाद मैंने देखा, अरे मैंने तो एंड शूट ही नहीं किया, मतलब मैंने तो बाय बाय ही नहीं किया। तो फिर मेरे को लगा मुझे बाय बाय करने आना पड़ेगा, तो मैं, वो पूरा एडिट हो चुका है, बस उस क्लिप को मुझे जोड़ना पड़ेगा जाके। सो मैं इस ब्लॉग को अब एंड करने आई हूँ। मैंने बनाए थे मटर वाले नूडल्स, और हम लोग बनाने वाले थे मैगी या नूडल्स। मैगी भी रखी थी, बट मैं मैगी का मसाला दूर रखना चाहती थी तो मैंने मैगी बनाई ही नहीं, क्योंकि मुझे मसाला नहीं डालना था। फिर मैंने नूडल्स बनाए जो बहुत फीके थे, जिसमें मसाला नहीं था। फिर वो नूडल्स खाए, और वही पूरे नहीं खाए हम लोगों ने। फिर हमने बिस्किट खाए चाय में डिप करके, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था नूडल्स को खाने में। तो आज का डिनर ऐवे ही था, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे भी, और ना उन्हें अच्छा लगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी आज के डिनर में, तो डिनर से सेटिस्फाइड ही नहीं थे हम। सो गाइस, अब मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड। आज मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे व्लॉग शूट किया, मेरी बहुत ज़्यादा हालत बैंड हो रही थी, बट फाइनली हमने व्लॉग शूट किया एक ऐसी हालत में। और मेरी स्किन देखिए आज, इतना सब करने के बाद यहाँ से हर जगह से चमक रही है, और ये ऑयल भी नहीं है, ये कोई स्वेटिंग भी नहीं है। सो फाइनली अब मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड। और जो जो व्लॉग देखता है और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमें पहुँचना है 10K तक। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कुकिंग चैनल भी जाके देख सकते हैं आप चांदनी कुकिंग जोन के नाम से, और 11 बजे वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत सबको है। मींस स्टिल मुझे अभी तक इतनी टाइटन अप लग रही है स्किन यहाँ से, जैसे मैंने पता नहीं क्या लगा के रखा है। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ कल विथ अ न्यू व्लॉग, और मोस्ट प्रोबेबली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल। इसे मैंने चेंज भी नहीं किया, और बाय।